हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, क्योंकि जो ये एक डाउट कह लो, एक क्वेश्चन कह लो, एक सवाल कह लो, कि ये सबके मन में आता है जो प्लान सिजेरियन है, जिनका मतलब कि कुछ दिनों में सिजेरियन होने वाला है या जिनका सिजेरियन हो चुका है। ये एक जो डाउट है सबके मन में आता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, कि नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। ये सबको पता होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे डर भी होते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी होती है तो बॉडी पहले जैसी कभी नहीं हो पाती है, हम पहले जैसी एक्टिविटी कभी नहीं कर सकते हैं, कि हमारा जो जो शरीर है वो ख़राब ही हो जाएगा, हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन बना ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो माइंड में रहती हैं कि हम लाइफ टाइम कभी वेट उठा ही नहीं पाएंगे, कभी रनिंग ही नहीं कर पाएंगे, कभी एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती हैं, तो उनमें से एक है, ऐसे बहुत सारे जो ऑलरेडी जो डाउट आते हैं सबके मन में, मैं इन पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हो जाके। और जो मेन जो एक आता है सबके मन में कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी रिकवरी फास्ट कर सकती हैं, उसमें हेल्प कर सकती हैं या रिकवरी डिले कर सकती हैं। किसी को होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, टांके खुल जाते हैं, पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके लिए ये रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि आपकी रिकवरी जल्दी हो और टाइमली, मतलब सही से हो जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। रिकवरी में जैसे सबको पता होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी, एक बात सबको बोली जाती है कि डिलीवरी के बाद 1.25 महीने जो होता है वो रेस्ट पीरियड होता है न्यू मदर के लिए, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। नॉर्मल में कुछ और रीज़न से बोला जाता है, सिजेरियन में इसलिए भी बोला जाता है कि टांके लगे होते हैं उनको हील करने के लिए 1 महीना देना होता है हम हमारी बॉडी को, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें हमारी थोड़ी कंट्रोल करके रखनी पड़ती हैं, और साथ में जो ब्लीडिंग होती है इस वजह से होता है। और उस वो जो टाइम होता है, इनिशियल पीरियड जो होता है, आप अपनी एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे होते हो अपनी बेबी के साथ, उन सब चीज़ों को समझना, उन सबको हैंडल करना, और उसके साथ ही जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बहुत से चेंजेस आते हैं, उन सबके साथ टैकल करना, तो हमें इतना टाइम, मतलब ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि बोला जाता है 1.25 महीना, यानी कि 40 दिन आपको रेस्ट चाहिए होता है। और इतना टाइम हमारे यूट्रस को भी लगता है हमारी प्री प्रेगनेंसी शेप में वापस जाने के लिए। तो जब आपका हॉस्पिटल स्टे होता है 2 से 3 दिन का, तो वहाँ पे सिजेरियन के बाद जो भी आपको पेन किलर वगैरह जो कुछ भी दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे होता है कि 2nd या 3rd डे आपको डिस्चार्ज का प्लानिंग होती है कि डिस्चार्ज किया जाएगा। उससे पहले ये कन्फर्म किया जाता है कि आपका जो बॉवल मूवमेंट है वो हो जाए, आपको जो थोड़ा टहलना आप शुरू कर दो, ये सब वहीं पे आपसे करवाया जाता है। वो इसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि एक तो आपको सिजेरियन के बाद गैस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है, स्टमक इशू बहुत कॉमन है, बहुत होता है। तो इन सबको ये कन्फर्म करने के लिए कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है या आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आपका जो बॉवल मूवमेंट है यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन है या जो आपको स्टूल है वो पास नहीं होता है, तब तक आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। तो उससे पहले ये कंफर्म किया जाता है कि आप वहाँ टहलना शुरू कर दो, टहलने में तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि चक्कर नहीं आ रहा है, गिर नहीं जा रहे हो, ये सब चीज़ें। और दूसरा, आपका जो स्टमक है वो क्लियर हो गया है, तो उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाता है। तो घर आने के बाद अब क्या होता है कि घर तो आ गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल स्टाफ था केयर करने के लिए, अब घर आके हमें क्या करना है, घर आके कितना टाइम लगेगा। तो घर आके ये है कि जो भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे ही बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि टांके लगे हैं, अंदर टांके हैं, बाहर टांके हैं, तो एक डर हमेशा बना रहता है। तो घर आने के बाद आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपकी रिकवरी फास्ट हो और कम से कम टाइम में हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपका जो भी उठने बैठने का जो भी है तरीका, वो आपको देखना होता है कि आपको झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है। और साथ ही जब बेबी को आप फीड कराते हो तो झुकना नहीं है, झुक करके नहीं बैठना है, पीछे टेक लेकर के बैठो, पिलो लगा करके बैठो, अपने लैप में आप पिलो रखो, उसके ऊपर बेबी को लेटाओ, फिर फीड करवाओ, कि आपको झुकना नहीं है। और उसके साथ ही होता है कि आपको अगर हेडेक हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप डॉक्टर से पेन किलर ले सकते हो, या चाय कॉफ़ी ये पी सकते हो, उससे आराम आ जाता है। और पानी आपको कम से कम 2 से 3 लीटर रखना ही रखना है, तो उससे क्या होगा, सिजेरियन के बाद के आपके जितने कॉम्प्लिकेशन है ना वो आधे कम हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से। अगर आप पानी अपना ठीक रखते हो, 2 से 3 लीटर पीते हो, तो उसके बाद जो भी आपको होता है कभी कभी कि चक्कर सा आना या आँखों के आगे अंधेरा आना,
सर में दर्द होना या जो गैस कॉन्स्टिपेशन ये सब होता है, ये इसमें बहुत रिलीफ मिलता है सिर्फ अगर आप अपना पानी सही से ले रहे हो तो। और दूसरी चीज़ क्या हेल्प करेगी आपको रिकवरी में, कि आपकी डाइट, आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन ना करे, गैस ना करे, और उसके साथ ही ईजली डाइजेस्टेबल हो, कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। हल्का खाना आपको शुरू के कुछ दिनों में खाना है, और इसके साथ आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, यानी कि जब भी आप उठ रहे हो किसी भी काम के लिए, चाहे वॉशरूम जाने के लिए उठ रहे हो, बाथरूम जाने के लिए उठ रहे हो, तो आपको अपने ही रूम का एक चक्कर लेना है, दो चक्कर लेने हैं, जितना आपको आपको मतलब कंफर्टेबल हो तभी आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में तो चलो भाई ज़बरदस्ती आपसे चलवा रहे थे, घर आने के बाद ऐसा नहीं होगा। घर आने के बाद भी आपको जब भी आप उठो बेड से किसी भी काम के लिए, आपको एक या दो राउंड लेकर के, यानी कि थोड़ा टहल करके ही बैठना है, क्योंकि जितना आप टहलोगे उतना ही आपका जो गैस है वो रिलीज होगा, उतना ही आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें आराम आएगा, और जित आपका जो है ना ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है किसी किसी को, कि स्कार साइड पे या पैरों में कहीं कहीं होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, वो नहीं होगा। और उसी के साथ ही होता है कि स्लीपिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इस स्कार को आपको क्लीन कैसे करना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब आप घर आते हो तो आपको अपने जो टांके हैं उनकी सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो दिमाग में आती है ना, घर आने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको घर जाते ही नहाना है, तब तभी से हमारे मन में डाउट आ जाता है नहाना है कैसे नहाएंगे, मतलब टांके गीले हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर हैं आजकल क्या करते हैं, वाटर प्रूफ बैंडेज वहाँ लगा करके देते हैं, तो इसलिए आप आराम से नहा सकते हो, आपको ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, टांके गीले हो जाएंगे। और सेकेंड वीक में, पोस्टपार्टम सेकेंड वीक में आपका क्या होता है कि डॉक्टर विजिट होती है, यानी कि 8 से 10 दिन के बाद, तब डॉक्टर आपके जो टांके हैं जो बैंडेज है वो हटाते हैं, या टांके कटने हैं तो टांके काटते हैं, और देखते हैं कि क्या है, क्लियर है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, जो भी उनकी कंडीशन है वो देखते हैं, आपको बताते हैं वैसे ही। तो उसके बाद जब आप घर आते हो तो आपको क्या करना है कि टांकों की सफाई आपको रेगुलर करनी है, जैसे डॉक्टर ने बताया है, उसमें बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल आलस नहीं करना है कि अभी नहीं, शाम को कर लूँगी, दोपहर को कर लूँगी। डॉक्टर ने अगर 2 से 3 बार बोला है दिन में स्कार साफ करना है, तो आपको करना है विदाउट फेल, और टांके सूखे रहने चाहिए आपके। जैसे गर्मियों में डिलीवरी हुई है आपकी, तो आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं कि वहाँ टाइट ना हो, लूज़ हो वहाँ कपड़े, कि वहाँ पसीना ना आए, इससे कि टांके अगर गीले रहेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गीले में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो इसलिए आपको टांकों की सफाई बहुत अच्छे से करनी है, और जो भी मेडिसिन आपको दी हुई है उस टाइम पे ना, हमें पेन किलर तो याद रह जाती है, लेकिन बाकी दवाइयाँ ना हम लापरवाही कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट जो भी आपको दी गई है वो आपको विदाउट फेल टाइमली लेनी है। और उसके साथ आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है खाना खाने के बाद, गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब होगा ही होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, इन सब का सोल्यूशन भी है हमारे पास ही। आपको अजवाइन का पानी पीना है, खाना खाने के बाद तो ज़रूर पीना है, अगर आप दिन भर में पी सकते हो तब भी आप पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा बाद तीनों टाइम आपको अजवाइन का पानी ज़रूर पीना है। आप सौंफ का भी पानी पी सकते हो कि आपका जो पेट है हल्का रहे, तो ये आपको करना है। और अब बात स्लीपिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन पे ये होता है कि हमें डर रहता है कि हम किस पोजीशन में सोएं कि हमारे टांके दबे ना, उनको खिंचाव ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो बेस्ट होता है कि या तो आप अपने पीठ के बल लेट रहे हो या साइड करवट लेकर लेट रहे हो। इसमें क्या होता है, अब आप पीठ के बल लेटते हैं ना तो टांकों पर किसी तरह का जोर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको हीलिंग जल्दी होती है। और जब अगर हम साइड करवट लेके लेटते हैं ना, तब हमें कंफर्ट तो आता है, उठने बैठने में हमें थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम पीठ के बल लेटे हैं तो जब हमें उठना होता है तो आपको सीधे नहीं उठना है, आपको करवट लेनी है फिर उठना है, क्योंकि जब हम सीधे लेटे लेटे उठते हैं ना, यानी कि पीठ के बल लेटे और उठ रहे हैं ना, तो पेट या टांकों वाली जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और अगर आप साइड करवट लेकर के लेटे हो तो कभी क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग में जो पेट है ना थोड़ा लूज़ हो जाता है मसल्स, तो हम जब साइड करवट लेकर के लेटते हैं तो होता है कि एक साइड को जो पेट है, जो स्किन है, वो बल्ज हो रहा है, तो टांकों पे कभी कभी लगता है खिंचाव आ रहा है। तो उससे बचने के लिए आप जब साइड करवट लेकर के लेटे हो तो अपने पेट के नीचे अंदर के साइड एक पिलो या छोटा कुशन आप रख सकते हो, और एक बैक में रख सकते हो सपोर्ट के लिए। और तीसरा ये होता है कि आप पीछे अपने गर्दन के पीछे 2-3 पिलो लगा लो, कि थोड़े ऊंचे हो जाओ, उस पोजीशन में आप लेट सकते हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है ना, किसी किसी को होता है कि सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत होती है शुरू के कुछ दिनों में, क्योंकि एक तो वेट बढ़ जाता है, ऊपर से डिलीवरी का स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। तो आपको वो नहीं होगा अगर आप ये है कि पीछे पीठ के बल लेटे हो लेकिन अपना हेड थोड़ा ऊंचा करके, यानी कि 2-3 पिलो आप आराम से लगा करके लेटो, तो उसमें आपको जो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। साइड करवट लेटने पर भी आराम मिलता है अगर आपका सांस फूल रहा है तो।
और दूसरा, अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है ना बार बार, तो आपको पीठ के बल सोने से बचना चाहिए। और साइड करवट सोने में ये भी होता है कि जब हम लेफ्ट साइड सोते हैं ना, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो सही होता है, तो उससे भी हमारी रिकवरी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके साथ ही डिलीवरी के बाद आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, दवाइयों का ख्याल रखना है, सीजेरियन आपकी जो स्कार है वो टाइमली चेक करते रहना है, और अगर आपको कुछ भी साइन लग रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से पूछना है, यहाँ वहाँ घर में किसी से डिस्कस करके या इधर उधर से पूछ करके कि जिनके पहले डिलीवरी हुई है, कि आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई भी ऐसा अलग सा कुछ भी सिम्टम दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को फ़ोन करना है। कि मैंने इस पे अलग से बहुत से वीडियोस किए हैं, आप वो चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको फीवर आना, स्वेलिंग होना, शुरू में कुछ दिनों तक स्वेलिंग रहती है स्कार के आसपास, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है वो होना, और उसके साथ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग शुरू में कुछ दिन रहेगी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन वो कम होने की वजह बढ़ गई है, जो क्लॉट्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के निकल रहे हैं, तो डॉक्टर को फ़ोन करना है आपको। पैरों में स्वेलिंग नहीं जा रही है, शुरू में रहेगी, ये बहुत कॉमन है, डिलीवरी के बाद स्वेलिंग 2 से 3 दिन 4 दिन पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, फिर धीरे धीरे चली जाती है, घर आने के बाद फिर से स्वेलिंग हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो डॉक्टर को फ़ोन करना है। वॉमिट है, नोजिया है, कुछ कुछ फील होगा, लेकिन सीवियर हो रहा है तो डॉक्टर को फ़ोन करना है। यानी कि कुछ भी ऐसा सिम्टम जो आपको लग रहा है कि आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा वर्स हो रहा है, कि आपको लग रहा है कि आराम नहीं आ रहा है, ज़्यादा कंडीशन बिगड़ रही है, तब आपको डॉक्टर को फ़ोन करना है। तो ये सब बातें हैं जो आपको रिकवरी में हेल्प करती हैं। और के साथ ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो डिलीवरी के बाद बहुत ही कॉमन है, 90-95% लेडीज़ में ये हो जाता है, तो आपको इससे बचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आप बहुत उदास फील कर रहे हो, तो आपको अपने घर वालों से बात करनी है, डॉक्टर को ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि डिप्रेशन कब हो जाता है हमें पता नहीं लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, तो हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, बच्चे को देखना है, बार बार फीड करवाना है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं सही से आ रहा है, बच्चा लैग सही से नहीं कर रहा है, या टांकों में दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं उस टाइम पे। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो टेम्परेरी होती हैं, बस स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब धीरे जो है वो ट्रैक पे आ जाती हैं चीज़ें, इसलिए इन सब का स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आपको डिलीवरी के बाद बहुत से डाउट हैं कि स्कार कैसे क्लीन करना है, इन्फेक्शन के क्या साइन हैं, किस पोजिशन में सोना है, या स्वेलिंग क्यों है, या कॉन्स्टिपेशन क्यों है, इन सब पे मैंने बहुत से वीडियोज़ किए हैं, आपको सिजेरियन केयर प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे, कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्या नहीं खा सकती हूँ, कब खा सकती हूँ, घर का काम कब से कर सकती हूँ, सीढ़ियाँ कब से चढ़ सकती हूँ, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। कुछ लोगों को होता है कि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीजर या पाइल्स भी हो जाता है, तो इस पे भी हम एक डिटेल वीडियो करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।